नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्रश्न में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। यूपीपी कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर के एक और रैपिड फायर सीरीज। इस रैपिड फायर सीरीज में मैं आपको बताऊं कि यहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके अभी हाल ही में या फिर कई कई बार ये कई संस्करण में हो भी चुके हैं। इन सारे आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज यानी प्रमुख युद्धाभ्यास को देखेंगे भारत और अन्य देशों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा कि वज्र प्रहार, तरकश, टाइगर ट्रंप भारत और किस देश के बीच में? तो मैं बताऊं, भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार, तरकश और टाइगर ट्रंप आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास के बारे में अगर मैं बताऊं तो सूर्य किरण जो युद्धाभ्यास होता है आपके, वो भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। गरुड़ युद्धाभ्यास, वरुण युद्धाभ्यास, शक्ति युद्धाभ्यास और आपके फ्रिंजेस युद्धाभ्यास जो होता है, ये भारत और फ्रांस के बीच में युद्धाभ्यास किया जाता है। इंद्रधनुष की बात करूं मैं, अजय बैरियर की बात करूं मैं और कोंकण युद्धाभ्यास की मैं बात करूं तो ये जो आपका होता है, ध्यान रखेंगे ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाला कौन सा है युद्धाभ्यास है। संप्रीति और बोंगो सागर के बारे में मैं बात करूं तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। इंद्र युद्धाभ्यास के बारे में मैं बात करूं तो भारत और रूस के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है ये। धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शैन्यू मित्री और जिमिक्स के बारे में मैं बताऊं तो ये युद्धाभ्यास आपके भारत और जापान के बीच में होते हैं, ध्यान रखिएगा। मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में अगर मैं बताऊं तो मालाबार युद्धाभ्यास जो होता है आपका, वो मालाबार युद्धाभ्यास आपके भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया देशों के बीच में हुआ मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, संयुक्त युद्धाभ्यास है। मैत्री और यक्ष आयुत्या के बारे में मैं बात करूं तो मैत्री और यक्ष आयुत्या जो है ये आपके भारत और थाईलैंड के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास होता है? तो वो आपका संयुक्त अभ्यास आपका दोस्ती है, ध्यान रखिएगा। मित्र शक्ति और स्लाइनेक्स के बारे में मैं बताऊं तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में अगर मैं बताऊं 12 नंबर के क्वेश्चन में तो समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास आपके भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट, अगर नोमैडिक एलिफेंट के बारे में मैं बताऊं तो भारत और मंगोलिया में अभी हाल ही में उलान बटोर में इसका संस्करण आयोजित किया गया है। हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास आपके भारत और चाइना के बीच में होता है, ये बात आपको पता ही है। दस्तलिक युद्धाभ्यास के अगर बारे में मैं बताऊं तो जो दस्तलिक युद्धाभ्यास होता है वो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। खंजर युद्धाभ्यास के बारे में अगर मैं बात करूं 16 नंबर के क्वेश्चन में तो खंजर युद्धाभ्यास आपके भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। काजिंद के बारे में बात करूं मैं 17 नंबर के क्वेश्चन में तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो काजिंद है। चलिए सिम्बेक्स के बारे में अगर मैं बताऊं 18 नंबर के क्वेश्चन में तो सिम्बेक्स का जो है वो आपके भारत और सिंगापुर के बीच में है, ठीक है। इंबेक्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो ध्यान रखिएगा इंबेक्स आपके भारत और आपके म्यांमार के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। साइक्लोन टू युद्धाभ्यास के बारे में अगर बताया जाए तो भारत और मिस्र के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है साइक्लोन टू, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में आया। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 डेजर्ट साइक्लोन के बारे में बात करूं मैं तो भारत और यूएई के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, ये बात ध्यान रखिएगा। डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास के बारे में अगर बताया जाए आपसे तो डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास आपके भारत में, भारत और यूएई और फ्रांस के बीच होने वाला ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नसीम अल बह की बारे में बात करूं मैं तो भारत और ओमान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। सिटमैक्स की बात करी जाए, सिटमैक्स जो युद्धाभ्यास है ना, वो सिटमैक्स युद्धाभ्यास आपके भारत में, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। अल मोहम्मद अल हिंदी या सदा तकनीस की बात करूं मैं तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, ये बात ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लॉक्ड सील जो है, ये लॉक्ड सील साइबर क्राइम को लेकर के युद्धाभ्यास होता है और ये नाटो के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा। लमितीय युद्धाभ्यास के बारे में अगर मैं बताऊं तो भारत और सेशेल्स के बीच में लमितीय युद्धाभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा। समुद्र लक्ष्मण और हरिमा युद्धाभ्यास के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये भारत और मलेशिया के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, ध्यान रखिएगा इस चीज को भी।
ऑस्ट्र हिंद युद्धाभ्यास किन देशों के बीच होता है, तो ऑस्ट्र हिंद जो ऑस्ट्र से ऑस्ट्रेलिया, हिंद से हिंदुस्तान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और ये आपका एक्स एक्वेरियन के बारे में बात करूं मैं, तो एक्स एक्वेरियन आपके भारत और मालदीव के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा आपके बाहर नहीं पूछेगा। अगर मिलिट्री एक्सरसाइज आएगा तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन रहेगा, इसको पढ़ लें और एक क्वेश्चन अपना सुनिश्चित करें। इसी तरीके के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।